अब इस तीसरे दिन के व्याख्यान में राजीव भाई आपको जानकारियां देंगे, जैसे पानी कब और कैसे पिएं, मोटापा कम करने की अद्भुत दवा है पानी, त्वचा एवं अन्य रोगों के लिए मुंह की लार का महत्व, दूध पीने का नियम और चूने का स्वास्थ्य के लिए महत्व। कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अष्टांग हृदयम का एक हिस्सा था, जिसमें आबोहवा, तासीर, रहने वाला स्थान, उसका महत्व, वहां की मिट्टी, उसका महत्व वगैरह वगैरह। अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूं। भागवत जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है। ये आपने कई बार सुना होगा, आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और भागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती, मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे, उसमें सफलता मिले न मिले, सफलता की बात नहीं कहते, वो ईमानदारी से प्रयास करे तो उसको मोक्ष होता है। दुखों से मतलब क्या? तो भागवत जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में हैं। एक तो दैहिक दुख, शरीर का दुख, दैहिक दुख। दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है। भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया, अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, धरती कंप आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख। और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो वो भागवत जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है। अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा। भागवत जी कहते हैं कि कोई सदगृहस्थ व्यक्ति है, वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बेहतर है, भले ही वो सदगृहस्थ है। और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय भागवत जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि भागवत जी की परिभाषा में गृहस्थी होना माने सदगृहस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है। वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है, समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगे, भले प्रयास आपका सफल हो ना हो, सफलता की बात वो नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा, आपका शरीर।
ये जो पेट है, शरीर का मध्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। तो 90% दुख पेट से है। उन 10% में हार्ट अटैक आ गया, उन 10% में पैरालिसिस आ गया, उन 10% में अर्धांग वायु, पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है, वो आ गया, एपिलेप्सी आ गई, वगैरह वगैरह, बाकी सब पेट से है। तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें, उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है। माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और भागवती जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने। आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र भागवती जी का, वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर्य मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। पहला सूत्र भोजनांते विषमवारी, इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषमवारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवती जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर, संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। भागवती जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, जठर अग्नि, जठर अग्नि, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है। ये है महत्व की बात। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में, तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा, तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गट 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 गट, तो क्या हुआ, अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है, तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर भागवती जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी, और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी, तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे, 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, मूड़व्याध, भगंदर, और अंत का एक रोग है कैंसर।
कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। और बाद में बागभट्टी जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं। अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ, तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना। तो भागवत जी कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। अब ये जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है, ये क्या है? ये भागवत जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है, 1.5 घंटे तक। और 1 से 1.5 घंटे का वो बताया है, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर 2 से 2.5 घंटे रहेगा, पहाड़ वाला। लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना। वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा। आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। और बीच में पीना कि नहीं, वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न हैं, माने एक रोटी खा रहे हैं आप, वो गेहूं है, और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं दो अन्न, एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना। मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना, लेकिन मात्रा कितनी? तो वो कहते हैं 2 या 3 घूंट, इतना ही। उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया, फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए। अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा 1-2 घूंट और पी लेना, गला साफ करने के लिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर? पानी तो नहीं पीना, 1.5 घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो भागवत जी ने 3 चीजें बताई, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम। लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, मक्खन रह गया तो वो लस्सी, तक्रम की बात है। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस। जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा। तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं, सर्वनाश करेगा। अब इसमें आगे एक सूत्र है, वो बहुत महत्व का है। भागवत जी कहते हैं मट्ठा या छाछ कब पीना, दूध कब पीना, रस कब पीना। तो सुबह के भोजन के बाद जूस, भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में,
इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं। अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पिलाकर भेजो। और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं, आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ, समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा। अभी इसके आगे का सूत्र, तो पानी कैसे पिए, तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं। लोटा मुंह से लगाया गटगट गटगट उतार लिया, गिलास मुंह से लगाया गटगट गटगट उतार लिया, तो बागवती जी कहते हैं नहीं ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना बागवती जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं। अब ये क्यों, आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूंट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल एसिड प्राकृतिक रूप से बनता है, और मुंह में क्षार बनता है जिसको लार कहते हैं, आप लार, स्लाइवा, सेलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती है लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो बागवती जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया, और जिनका पेट पानी के जैसा माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो बागवती जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है, बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए। तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी, इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा, इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए। और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा। बागवती जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए वो देखें जानवर कैसे पीते हैं, चिड़िया कैसे पानी पीती है, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी। ऐसे कुत्ता है पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा, ज्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं, वो जानवर हमसे ज्यादा स्वस्थ है। किसी को डायबिटीज नहीं, कोई ओवरवेट नहीं, किसी को ज्वाइंट्स पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, बागवत के पक्के चेले हैं ये सब जानवर, माने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले, बागवत जी को मैंने 6 साल पहले पढ़ना शुरू किया, 3 साल पढ़ने में लग गया और 3 साल समझने में लग गया। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना शुरू। ये 2 सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के। अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते, जैसे तंबाकू खाने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग, थूकते ही रहते हैं उसको, थूकते ही रहते हैं, जिसको बनाने के लिए भगवान ने 1,00,000 ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं, जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं, ये बहुत ही कीमती है, इसका औषधीय गुण बहुत है। और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है,
और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चींटी या चींटा या मक्खी पे थूक दो वो तुरंत मर जाए, क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह। और आप गुटखा खा खा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं, अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो बागवत जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं, जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तभी, बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें। तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं, तो पान खाने के लिए नियम बताया, पान खाओ तो कत्था मत लगाओ, बिना कत्थे का पान खाओ, थूकने की गरज ही नहीं। तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कत्था है तो थूकना पड़ेगा, कत्थे बिना ही पान खाओ। पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है। तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं, तो पान खाके तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते। ठीक है, अब आगे चलता हूं। आगे का एक सूत्र है बागभट्ट जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? गुनगुना पानी पिए। कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा, क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना। बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया। अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा, तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी, तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा। उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी, और यह कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है। और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के? मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो दो दो घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉयलेट रूम में, कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें। और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि आह ऊ तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में बरातों में जाता हूं तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे, सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं, ना मरो तो जल्दी मर जाओ। ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र,
भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है, इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? बुजुर्गों के लिए 2 गिलास, बच्चों के लिए और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए, कम से कम इतना पानी पिए। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है, गैंग्रीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, उसने बेचारे ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया। तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर, तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है, अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए। एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, बस इतना है कि साल भर करना पड़े इसी लार से, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय। हाजी भाई, आपने कहा कि उषापान करना चाहिए, उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए? हाँ। कैसा भी देखिए उषापान। दूसरी बात, पान जो कहा आपने खाने के लिए, तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए? बहुत अच्छा। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं, पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए। भागवत जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो, कसैला, जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो भागवत जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए, तो गहरे रंग वाला पान खाइए, गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए, जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे रंग का, ये सब एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी अस्थमेटिक है,
इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूव किया है। आज का विज्ञान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए, माने कसेला, उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें सबसे ज्यादा चूना, तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना 1 ग्राम होता है। चने का दाना आधा तोड़ो तो 2 हिस्से हुए, ये 2 हिस्से के 4 कर दो और वो 1 हिस्सा जो है वो 1 ग्राम, तो उतना आप चूना लगाइए उस पर। फिर चूने के साथ क्या खाएं? आप उसमें सौंफ खाएं, सौंफ, सौंफ का नियम उन्होंने बता, सौंफ खाएं। दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें, अजवाइन 2-4 दाने, ज्यादा नहीं। और वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग। और कहते हैं बड़ी इलायची, और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं। ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए, सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा। तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं, ठीक है? तो पान में क्या खाएं? दूसरा, इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए, बागवट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए। ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे पी सकते। एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए। आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं? तो जरूर पी सकते हैं, 3 महीने, इसके आगे नहीं। फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं। लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। हां, सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है। तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्र पात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है, सुबह का तो ताम्र पात्र का ही सबसे अच्छा है। जी, भोजन के बाद जो रस और मट्ठा पीने के लिए बताए थे आप, तो क्या ये आम्रदाई को शांति करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मट्ठा है ना, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है, और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब बागवट जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है, तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया। इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन बागवट जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा। तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में, तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे, और पानी है दूध में तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए। खाली पानी अग्नि को शांत करता है। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश। रीजन बताऊंगा परसों, क्योंकि ये परसों आने वाला है। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है।
तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पे लाएगा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए। जी देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूध को बागवत जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? बागवत जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है कॉफी भी नहीं है, क्योंकि बागवत जी 3500 साल पहले हुए, ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। हां, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया, काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे, वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है। जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है, अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी, खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पिएंगे अर्जुन की छाल का, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है, शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है, उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है। जी नहीं नहीं गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया, भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं, औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं, माने सुबह दूध पीना ही है ना तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए, तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए, आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपए किलो मिलती है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है और 150 रुपए किलो चाय मिलती है और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए, और अगले साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये 3 महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, गुड़, गुड़ नहीं मिले तो गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए, और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं, क्योंकि बागवट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, शक्कर नहीं। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है, 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। जी जी मिश्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था, मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। सोंठ है तो बहुत अच्छा है, अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का, तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको,
और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं, ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब वात के रोग हैं। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत जन कहते हैं तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद छाछ पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा? देखिए जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। द्विदल, द्विदल समझते हैं, एक दाल के जिसके दो, द्विदल के साथ दही का निषेध है। बागवट जी ने भी कहा है, महावीर स्वामी ने भी कहा है, गौतम ऋषि ने भी कहा, सबने कहा द्विदल के साथ दही का निषेध है। तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो द्विदल ही है, अरहर की खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं तो द्विदल है, तो द्विदल के साथ दही कैसा? तो उसके लिए बागवट जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है, ना खाएं, लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें, माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में, रसोई में तीन चीजें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं, एक तो है जीरा, दूसरा है सेंधा या काला नमक, आयोडीन युक्त नमक नहीं, तीसरी है अजवाइन। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें फिर पी लें। अदरक, अदरक की जगह सूंठ, दही में कभी भी अदरक उपयोग नहीं होता, सूंठ उपयोग होता है। अदरक और सूंठ में थोड़ा अंतर है, सूंठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूंठ का गुण अदरक से ज्यादा है। फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट, वैसे फ्रूट्स का बागवट जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा, माने नाश्ता ही फ्रूट का करें, जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए, तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया, माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया। छाछ शरीर के लिए ठंडा करता है तो बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी, दे सकते हैं बिल्कुल। अजवाइन डाल के बच्चों को, 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है। पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, हर मौसम में पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं, आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं। सनबर्न, सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे, फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है। मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में, राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी ला के हम पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं? जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं है। ये जो फ्रिज का पानी है ये 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ये बहुत ठंडा है।